हाय गाइस, मैं हूँ शालू। आपका स्वागत है हमारी आपकी रसोई में। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी, जिसे भिंडी की कलौजी भी कहा जाता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या दाल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए चलते हैं भरवा भिंडी बनाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये मैंने भिंडी ली है 300 ग्राम। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है इसका पानी, और ये आगे पीछे से काट के और बीच में से मैंने ये चीरा लगा दिया है। इसी तरीके से मैंने ये सारी भिंडियाँ काट ली हैं। अब हम इसमें भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। चलते हैं मसाला तैयार करने के लिए। ये मैंने अचार का मसाला लिया है 2 चम्मच, और इसमें मैं ये लहसुन डाल दूंगी। मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, ये मैं डाल दूंगी 2 चम्मच। और इसके साथ हम नमक डाल देते हैं। ये मैं नमक ले रही हूँ। नमक हमें सही से लेना है, क्योंकि हमारे अचार में भी नमक है, अचार के मसाले में। तो हमें उस हिसाब से लेना है जिस हिसाब से आपके अचार में नमक हो। तो मैं उस हिसाब से अपना नमक ले रही हूँ। आधी छोटी चम्मच मैं ले रही हूँ लाल मिर्च, तीखा करने के लिए। ये आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम लें। मैं आधी चम्मच ले रही हूँ छोटी। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। हम इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, हम थोड़ा ही मसाला डालेंगे। और हमने ये अचार का मसाला डाल रखा है, तो हमें और कोई मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसी तरीके से सिंपल बनाएंगे। ये सिंपल ही बहुत टेस्टी लगती है। हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये हमारा मसाला भी बन के रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं भिंडी में भरने के लिए। देखिए, हमने अपनी भिंडी ले ली है और ये हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। अब हम भिंडी में अपना मसाला भर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इजी तरीके से बन भी जाती है। भिंडी भी जल्दी पक भी जाती है। हमें इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है इसे बनाने में। अब हम इसे हाथ से भर लेते हैं। चम्मच से सही से हो नहीं पा रहा है। देखिए, इस तरीके से हम इसे भर लेंगे। हम दूसरी भी भर लेते हैं। इस तरीके से हमें भरना है। अच्छे से भर गई है। इस तरीके से हम और भर लेते हैं। आपको कम ज़्यादा जैसे ही भरना, आप उस हिसाब से अपना भर सकते हैं। ये देखिए, हमारी ये भर चुकी है। हम इसी तरीके से अपनी सारी भिंडियाँ भर लेंगे। ये देखिए, मैंने भिंडियाँ अपनी भर ली हैं। अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। ये मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा कम ही लेना है। अब ऑयल गर्म होने पर हम अपनी भिंडियाँ इसमें ऐड कर देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम मीडियम स्लो कर देंगे और अपनी भिंडियों को इसमें ऐड कर देंगे। तेल को फैला देंगे ताकि सारी भिंडियों पर लग जाए। इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम इन्हें ढक देंगे। अब हम 2 मिनट बाद इसे फिर चेक करेंगे। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं इसे। एक तरफ से लाल हो चुका है, हम इसे पलट देते हैं। इसे हम 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हम इसे थोड़ा सा खोल के पकाएंगे, ढकेंगे नहीं। अब हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। अब 1-1.5 मिनट बाद एक बार फिर से हम इसे चेक करेंगे।
ये देखिए हम इसे चेक कर लेते हैं, ये हमारी भिंडी हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। भिंडी हमारी पक चुकी है, भिंडी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती, भिंडी जल्दी से पक जाती है। ये हमारी बनके रेडी हो गई है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छोड़ दिया था, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारी भिंडी कलौजी बनके तैयार हो गई है। इसे आप 5 से 6 दिन फ्रिज में रख के आसानी से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होती है ये जल्दी। ये आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।